मध्य प्रदेश के गुना में काले हिरण के शिकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें शिकारियों ने 3 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। सरकार भी घटना को लेकर एक्शन में है। इस घटना को लेकर CM शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों के साथ बैठक की। गुना में हुई ये घटना सांगा बरखेड़ा गाँव की है। ये गाँव आरून पुलिस स्टेशन में आता है। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ शिकारी हिरणों का शिकार करने आए हैं। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस मौके पर गई। चारों ओर से पुलिस से घेरता देख शिकारियों ने पुलिसकर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस के 3 जवान शहीद हो गए। ये घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है, जहां शिकारियों के साथ हुई मुठभेड़ में SI राजकुमार जाटव, आरक्षक नीरज भार्गव और आरक्षक संतराम की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस की तरफ से इस मामले की जाँच की जा रही है। वहीं इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बड़ी दुखद और हृदय विदारक घटना है। सुबह तड़के जैसे ही जानकारी मिली, तभी से लगातार मैं संपर्क में हूँ, पुलिस अधीक्षक से, DGP से, सभी से बात की है। गुना जिले की आरोन थाना क्षेत्र के पास में 7-8 बदमाशों की पुलिस को सूचना मिली थी। मोटरसाइकिल सवार थे, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू करी और हमारे परिवार के जाबाज श्री राजकुमार जी जाटव, SI नीलेश भार्गव जी हवलदार और सिपाही संतराम जी की उसमें मौत हो गई। अपराधी कोई भी हो, पुलिस से बच के जा नहीं सकते और कठोर कार्रवाई के मैंने निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मौके पर देखकर ऐसा लग रहा था कि पुलिस कर्मियों को नजदीक से गोली मारी गई। घटना स्थल से हिरणों के 4 सिर, जबकि 2 हिरण ऐसे मिले हैं जिनके सिर नहीं है, एक मोर का भी शव बरामद हुआ। जिले के वरिष्ठ पुलिसकर्मी घटना स्थल पर पहुंच गए। बहरहाल अब पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार एक्शन में है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ।